चैनल को इस प्रकार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के आनंद की नगरी कहे जाने वाले मांडू में। तो मांडू में हम आज देखेंगे नीलकंठ मंदिर और रानी रूपमती महल। मांडू में नीलकंठ महल उन बहुत कम महलों में से एक है जो भव्यता और एकांत का आभास कराता है। इसका निर्माण मुगल शासक अकबर के निर्देश में किया गया था। यह ढलान पर बना है और महल में प्रवेश करने के लिए 61 सीढ़ियां से नीचे उतरना पड़ता है। महल का उत्तरी भाग घाटी के मनोरम दृश्य का आनंद लेने के लिए खुला है। कोर्ट हॉल के साथ पश्चिमी और दक्षिणी तरफ कमरे हैं। कोर्ट हॉल के केंद्र में एक फवारा है जिसमें दक्षिणी छोर पर झरने से पानी मिलता है। महल के दक्षिणी ओर एक कमरे में एक और सुंदर अष्टकोणीय फवारा है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर 4 बार मांडू आए थे और हर अवसर पर उन्होंने इसी महल में रहना चुना। मांडू या मांडवगढ़ धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित प्राचीन शहर है। यह भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। यह धार शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 11वीं शताब्दी में मांडू या तारांगन या तारंगा राज्य का उपभाग था। यह परमारो के काल में इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई और 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुस्लिम शासक के अंतर्गत आ गया। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित होने के कारण इसका सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व था। आज यह एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है जहां हजारों की संख्या में सैलानी यहां दर्शन के लिए आते हैं। दर्शनीय स्थलों में से जहाज महल, हिंडोला महल, शाही महल, शाही हमाम और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण आकर्षक नक्शेदार गुंबद देखने आते हैं। इसकी इंदौर शहर से दूरी 100 किलोमीटर है। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार मांडू को 2018 में प्राप्त हुआ। इसके दर्शनीय स्थल का तारापुर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, जहाज महल, हिंडोमा महल, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, अशरफी महल, रेवा कुंड, नीलकंठ महल, हाथी महल तथा लोहानी गुफा है।
रहता है। ₹365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर स्थित इस महल का निर्माण बाज बहादुर शास्त्री ने रानी रूपमती के लिए कराया था। इसी के साथ सैनिकों के लिए मांडू की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए बेहतर स्थान के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। कहा जाता था कि रानी रूपमती सुबह उठकर माँ नर्मदा के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। अंत रूपमती के नर्मदा दर्शन को सुलभ बनाने हेतु बाज बहादुर शास्त्री ने ऊंचाई पर स्थित इस महल का निर्माण कराया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अगले भाग में हम देखने वाले यहाँ का जागमल, तो वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।